एथलेटिक परफॉर्मेंस आफ्टर रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखिए, ज़्यादातर अगर कोई रिप्लेसमेंट की सिचुएशन में पहुंच गया है तो आप ये मान के चलिए उनका दैनिक कार्य कर पाने की क्षमता भी दूभर हो चुकी है, चलना फिरना मुश्किल हो चुका है, तो एथलेटिक परफॉर्मेंस तो वैसे भी उनके जीवन में नहीं हो रहा है। उनको रिलीफ चाहिए अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ कर पाने के लिए, चलने फिरने, साइकिलिंग, वॉकिंग के लिए। लेकिन एक रेयर एक्सेप्शन है, वो रेयर एक्सेप्शन है रीसर्फेसिंग हिप आर्थ्रोप्लास्टी, और इसका एक शाइनिंग या बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है एंडी मरे। एंडी मरे एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर हैं जिनको अर्ली एज में, प्रोबेबली इन हिज लेट 20s, उनको आर्थराइटिस ऑफ हिप डेवलप हुआ। वो ऑलरेडी विंबलडन विनर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं टेनिस में और बहुत नाम कमाया है। और फिर उन्होंने रीसर्फेसिंग हिप आर्थ्रोप्लास्टी कराई और फिर वो वहाँ रुके नहीं। रीसर्फेसिंग हिप आर्थ्रोप्लास्टी करा के वो टेनिस की दुनिया में वापस आए और वापस एक टॉप 100 प्लेयर बने, टॉप परफॉर्मर बने, और उन्होंने ATP के कई खिताब जीते। तो वो एक रेयर एक्सेप्शन है। हिप आर्थ्रोप्लास्टी या नी आर्थ्रोप्लास्टी के बाद बहुत से लोग आयरन मैन मैराथन या स्विमिंग वगैरह भी करते हैं जिनको अर्ली यंग एज में आर्थराइटिस हुआ हो, बट इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, क्योंकि देखिए इवेंचुअली ये मैकेनिकल इम्प्लांट्स हैं। जिस तरह से आप अपने गाड़ी को 1000 किलोमीटर चलाएंगे तो उस तरह का वेयर एंड टेयर होगा, और 10,000 किलोमीटर चला देंगे तो चक्कों का उस तरह का वेयर एंड टेयर होगा, तो वैसे ही इसका असर इम्प्लांट की लाइफ पे पड़ता है। इम्प्लांट की लाइफ शॉर्टन होती है। धन्यवाद।